नमस्कार, बड़ी खबर आ रही है रीट परीक्षा को लेकर के। आपको बता दे, अभी भी किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि जिस तरीके से लेवल 2 को रद्द किया गया है, उसी तरीके से लेवल 1 को भी रद्द किया जाए, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा में पूरी तरीके से घोटाला हुआ है और सभी अभ्यर्थियों को इसका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों ने पूरे मन से और पूरी लगन के साथ में अपनी पढ़ाई पर पूरा खर्च किया है और जितना उन्होंने खर्च किया है उससे ज़्यादा उनकी इस एग्ज़ाम को देने में मेहनत लगी हुई है। तो सरकार से मैं यही गुजारिश करता हूँ और यही आग्रह भी करता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द इस रीट भर्ती को एक अहम मानते हुए इस पर बड़ी कार्रवाई की जाए और सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि प्रदेश भर में लाखों अभ्यर्थी इस बात पर आस लगाए हुए बैठे हैं, क्योंकि रीट भर्ती मामला अभी तक चल रहा है। और आपको बता दें, किरोड़ी लाल मीणा की ये मांग कहते हुए पूरे प्रदेश भर में सभी अभ्यर्थियों में भी हलचल मच गई है और वो भी धरने पर धीरे धीरे बैठ रहे हैं। अब सरकार और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री क्या फैसला लेते हैं और हाई कोर्ट क्या फैसला देता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। जय हिंद, जय भारत।